सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा, उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube के चैनल पे। फॉर्म तो आप सभी फिल करते होंगे, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते होंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन होता है। वो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं कंपनियों की या फिर कॉलेजेस की, जो कि आपके सामने अलग अलग कैटेगरी में फॉर्म ओपन होता है। मान लीजिए एक मेरे सामने ये सिंपल सा फॉर्म ओपन है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। अगर इस तरह का आपको फॉर्म एक क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक टीचर हो और आपका एक छोटा सा कोचिंग सेंटर है, आपके कोचिंग सेंटर में मान लीजिए अभी 5-6 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, आपको उनकी प्रॉपर डिटेल्स चाहिए, उनका नाम क्या है, उनका मेल आईडी क्या है, उनका फ़ोन नंबर क्या है या फिर उनका एक प्रॉपर एड्रेस का है क्या है। मान लीजिए कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप उनके पेरेंट्स को बता सकते हो। आज का जो टाइम है, अगर आपके पास में कोई भी इंफॉर्मेशन है, शायद उसको आप ऑनलाइन रखना ज़्यादा सिक्योर मानते होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप खुद का एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, जो कि एक यूआरएल के क्लिक पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन वाला फॉर्म अपने स्टूडेंट को भेजना है तो आप एक फॉर्म को क्रिएट कर लीजिए और उसका जो यूआरएल होगा कुछ इस तरह से होगा। हर बार अलग अलग यूआरएल मिलता है हर फॉर्म का, तो आपको वहां से एक यूआरएल जनरेट होगा। आप उस यूआरएल को कॉपी कर लीजिए और उसको चाहे आप मैसेज से, व्हाट्सएप से, मेल करके आप उस यूआरएल को उस स्टूडेंट के पास में भेज दीजिए। जब वो स्टूडेंट उस यूआरएल को ओपन करेगा, उसके सामने एक ब्राउजर ओपन हो जाएगा और जब ब्राउजर ओपन होगा तो फॉर्म ओपन हो जाएगा जैसे आप उस फॉर्म को डिजाइन किए होंगे। अगर इस हिसाब से किए होंगे जैसा ये वाला है तो ऐसा ओपन हो जाएगा, या फिर जैसे आप डिजाइन किए होंगे उस तरह से वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब वहां पे स्टूडेंट क्या करेगा, अपनी पूरी डिटेल फिल करके सबमिट पे, ये जो सबमिट बटन है इस पे वो एक बार क्लिक कर देगा तो आपके पास में वो पूरा जो मैसेज होगा वो आपके पास में आ जाएगा। ये फिर देखते हैं कि आप कैसे एक फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, उसमें सर्च करना है गूगल फॉर्म्स। तो मैं गूगल फॉर्म्स को सर्च कर लेता हूं और मैं पहले वाले पे क्लिक कर देता हूं, गूगल फॉर्म क्रिएट, और कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा आपके सामने। आपको यहां पे दिया गया है गो टू गूगल फॉर्म पे आपको एक बार क्लिक करना है। गूगल फॉर्म कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है, जिसमें देख सकते हैं पार्टी इवेंट है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, RSVP है और टी शर्ट साइन अप है। तो यहाँ पे और सारी काफ़ी कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी नीचे में, तो आप यहाँ से डायरेक्टली चूज कर सकते हो और या फिर आप यहाँ पे एक ब्लैंक का है वहाँ से भी आप ले सकते हो। मान लीजिए अगर हमको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे किसी का चाहिए तो मैं सिंपली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे एक बार क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे सामने ओपन हो गया। अगर मुझे उसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो आप कैसे करेंगे उसको मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना है तो आप इसको छोड़ दें। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है फॉर्म डिस्क्रिप्शन, अगर आपको फॉर्म का कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो आप दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, फोन नंबर, कमेंट्स। अब इसके अलावा मुझे एक और चाहिए, मान लीजिए हमको चाहिए एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कि अगर मैं किसी चिल्ड्रन का इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ तो यहाँ पे वो अपना फोन नंबर दे दिया, अपना मेल आईडी दे दिया, अपना एड्रेस दे दिया, लेकिन मुझे अगर इमरजेंसी में किसी को कांटेक्ट करना है तो मैं किससे कांटेक्ट करूंगा, उसके लिए यहाँ पे आपको एक कॉलम का और जरूरत है, उसको आप कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक डुप्लीकेट का ऑप्शन है, इस पर आप एक बार क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे कमेंट्स का ऑप्शन है, इसको आप एडिट करके यहाँ पे लिख दीजिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट यहाँ पे हो गया। अगर आपको और कुछ आगे अपडेट करना है तो आप कर सकते हो, अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन किसी का लेना है तो हमें डुप्लीकेट करके आप अलग अलग कॉलम्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो जैसे मुझे इतना ही चाहिए एक बेसिक, तो अब मुझे क्या करना है, अब इसको पहले तो मुझे सेव करना होगा। सेव करने के लिए उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप कुछ यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हो, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे अगर आप कुछ कलर वगैरह भी इस बैकग्राउंड का चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको कुछ कोई इमेज अपलोड करना है तो यहाँ से उस इमेज को अपलोड कर देंगे तो जो बैकग्राउंड इमेज होगा वो यहाँ से उसको ये ले लेगा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज मिल जाएगी। अगर आप अपने डायरेक्ट अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से डायरेक्टली अपलोड करना चाहते हो, आपकी कोई पिक्चर है तो आप यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको एक नॉर्मल दिखा देता हूँ जैसे कि ये वाला करके, और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको लोडिंग लेने में हमको टाइम लगेगा तो मैं तब तक वेट करता हूँ। देख सकते हैं जो मेरा बैकग्राउंड थीम है वो सेट हो गया है। अब आप एक बार इसको प्रीव्यू करके देख लीजिए कि मेरा फॉर्म दिखेगा कैसे जब कोई इसको ओपन करेगा।
फॉर्म कुछ इस तरह से ओपन होगा, जब भी कोई इस फॉर्म को फिल करेगा फॉर्म इसी तरह से ओपन होगा। तो आप देख लीजिए इसका प्रीव्यू। अब आपको आगे क्या करना है, आगे आपको करना है यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं आपको यहाँ पे देखना है। पहला जो है यहाँ पे दिया गया है कि जब भी कोई इस फॉर्म को फिल करेगा उसको सबसे पहले जो जरूरत होगा वो जीमेल अकाउंट का होगा, उसके पास में जीमेल अकाउंट होना चाहिए तभी वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो आपको यहाँ पे दिया है लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, मतलब कोई एक मेल आई डी से सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पे कर देते हो, इसको अगर अनटिक कर देते हो, तो बार बार वो इस मैसेज को हर बार अपने एक ही मेल आईडी से अलग अलग मैसेज आपको दे सकता है। लेकिन अगर आप एक लिमिट कर देते हो तो सिर्फ एक बार वो एक ही मेल आईडी से मैसेज आपको भेज सकता है। तो ये हो गया आपका पहला। और दूसरा हो गया आपका, यहाँ पे देख सकते हैं एडिट एंड सबमिट, जो मेन मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। एडिट एडिट आफ्टर सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, वहाँ पे अगर आप इसको टिक कर देंगे तो क्या होगा, अगर कोई मैसेज सेंड करता है अगर उसको लगता है कि मेरा थोड़ा सा कुछ गलत हो गया तो बाद में भी उसको एडिट करने का ऑप्शन दिखेगा अगर आप यहाँ पे टिक करेंगे। अगर आप इसको अनटिक करेंगे तो वो जो मैसेज भेज देगा आपके पास में वही आ जाएगा, बाद में वो कुछ कोई भी चेंजेस वहाँ से नहीं कर सकता। तो मैं इसको यहाँ से टिक कर देता हूँ और यहाँ पे प्रेजेंटेशन में भी आप देख सकते हो सो प्रोग्रेस बार ये, और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। मैं अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा, मैं आगे और काफ़ी सारे इसके वीडियोस बना के आपको दे दूंगा जिसमें आप मल्टीपल क्वेश्चंस को भी यहाँ इसमें ऐड कर सकते हो। तो वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप टीचर हो, आप स्टूडेंट्स का अगर आप टेस्ट लेना चाहते हो तो मल्टीपल क्वेश्चंस भी यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो। अब इसको हमको सेव करने का बारी है, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सेंड पे जाइए। सेंड पे जाने के बाद में आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लिंक का ऑप्शन है, लिंक के ऑप्शन में जाइए, इसको शॉर्टन यूआरएल कर दीजिए तो ये छोटा हो जाएगा थोड़ा। अब ये छोटा हो गया, अब इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से, नहीं तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको कॉपी कर लीजिए। अब ये कॉपी होगा मेरे क्लिपबोर्ड में, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से गूगल प्लस पे, फेसबुक और ट्विटर पे यहाँ से डायरेक्टली आप इसको शेयर कर सकते हो। तो मैं जैसे कि इसको करता हूँ, अभी इसको मैं मेल कर लेता हूँ सबसे पहले अपने अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे अपना मेल आईडी दे देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना मेल आईडी डाल के मैं यहाँ से इसको सेंड कर देता हूँ। आपके पास में यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, चाहे आप उस यूआरएल को आप कॉपी करके डायरेक्टली किसी को भेज सकते हो, नहीं तो आप उसको अपने जीमेल में एक बार भेज लो। वहाँ से क्या होगा, जब भी आप उसको क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको अपने होम पेज पे लेके चला आएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जब मैं मेल किया तो मुझे क्या वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये मेरा जीमेल अकाउंट है, यहाँ पे एक मेल आया, मैं इस मेल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखा है फिल आउट फॉर्म, मैं इस पर एक बार क्लिक कर देता हूँ और मेरे सामने वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का फॉर्म ओपन हो गया। मैं एक बार इसको अपने इस वाले जीमेल आईडी से इसको फिल करके सबमिट करता हूँ। ये मेल आईडी वही है जिससे मैं ये फॉर्म क्रिएट किया था, तो मैं एक बार इसी से भेज के देखता हूँ। मैं इस फॉर्म को आधा अधूरा फिल कर लिया और मैं इसको सबमिट यहाँ से कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मुझे एड्रेस डालने के लिए बोल रहा है, तो मुझे एड्रेस यहाँ पे देना ही होगा। मैं यहाँ पे अपना एड्रेस देकर और इसको सबमिट कर देता हूँ। यहाँ से सबमिट करने के बाद मैं देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का मुझे दे दिया मैसेज, एक थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर कॉन्टैक्ट इन्फो। अगर मुझे इसको एडिट करना है तो मैं यहाँ से इसको फिर से जाके एडिट कर सकता हूँ। ये सिर्फ एक ही बार होगा, आप एक मेल आईडी से सिर्फ एक ही बार उसको भेज सकते हो। तो ये हो गया। अब मैं एक बार दोबारा से ट्राई करता हूँ कि दोबारा से क्या मेरे सामने नया पेज ओपन होगा या नहीं होगा। तो ये रहा मेरे सामने मेल, मैं इसको एक बार क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमको एक मैसेज दिखा, यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, मतलब कि इस फॉर्म को मैं एक बार ऑलरेडी फिल कर लिया हूँ इसलिए दोबारा से मैं उसको फिल नहीं कर सकता। आप इस फॉर्म को सिर्फ एक ही जीमेल अकाउंट से एक ही बार फिल कर सकते हो, दोबारा ये फिल नहीं होगा। अब मैं वापस से चला जाता हूँ अपने अकाउंट में जहाँ पे मैं फॉर्म को क्रिएट किया था और यहाँ के सेंड के ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर से मैं इस लिंक को कॉपी किया यहाँ से, आप डायरेक्टली इस लिंक को कॉपी करके कहीं भी शेयर कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर लिया। अब मैं इसको एक मेल करता हूँ अपने दूसरे मेल आईडी पे और उस मेल आईडी से इस फॉर्म को फिल करने की कोशिश करता हूँ कि दूसरे मेल आईडी से ये फॉर्म फिल होगा या नहीं होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपना मेल कर दिया हूँ, यहाँ पे लिंक मैं डाल दिया और मैं इसको सेंड कर देता हूँ। मैसेज सेंड हो गया, मैं अपना दूसरा मेल आईडी ओपन कर लेता हूँ और उसमें देखता हूँ। यहाँ पे मैं अपने दूसरे मेल आईडी से लॉगिन कर लिया हूँ और ये देख सकते हैं मेरे पास मेल आ गया है। मैं इस मेल को ओपन कर लेता हूँ और ये रहा लिंक, मैं इस लिंक को ओपन करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म फिर से ओपन हो गया है, मतलब कि मैंने नया मेल आईडी यूज़ किया इसलिए मेरा फॉर्म ओपन हो गया। मैं इस फॉर्म को एक बार फिल करता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ। इस फॉर्म को मैं पूरा फिल कर लिया हूँ और मैं इसको यहाँ से सबमिट कर देता हूँ।
मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। मैं चेक करता हूँ अपने अकाउंट में, जिस अकाउंट से मैं फॉर्म को क्रिएट किया था, कि वहाँ पे ये मैसेज मुझे रिसीव हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने अकाउंट में जाना होगा, जिस अकाउंट से आपने फॉर्म को बनाया है। और मैं वापस से अपने अकाउंट में चला जाता हूँ, जिस अकाउंट से मैं फॉर्म को क्रिएट किया था, और एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ इस पेज को। पेज मेरे सामने ओपन हो गया है। आपको जाना है यहाँ पे रिस्पॉन्सेस में, और यहाँ पे देख सकते हैं मुझे दो रिस्पॉन्स मिले हैं। यहाँ पे जो आपको पहला मैसेज दिख रहा है, ये मैसेज मैंने इसी अकाउंट से क्रिएट किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो मैं इसी सेम अकाउंट से, जिस अकाउंट से ये फॉर्म मैं क्रिएट किया था, उसी अकाउंट से मैं ये वाला मैं यहाँ पे फॉर्म फिल किया था। और सेकेंड में आते हैं, सेकेंड वाला अभी जो मैं एक मेल किया था अपने दूसरे मेल आईडी पे, ये फॉर्म मैं उससे क्रिएट किया था। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, सिर्फ आपका एक ही बार इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं एक जीमेल अकाउंट से। तो उम्मीद करता हूँ मेरे तरफ से दिया गया गूगल फॉर्म का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।